कबीर धाम के बैगा बाहुल्य क्षेत्र सोनवाही गांव में बीते 3 दिनों में उल्टी दस्त से 2 बैगा आदिवासियों की मौत हो गई थी। मौत की सूचना पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल बरसते बारिश में सोनवाही पहुंचकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर नाकामी का आरोप लगाते हुए कहा कि विशेष संरक्षित जनजाति होने के बावजूद सोनवाही के बैगा आदिवासियों को इस सरकार में योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। 5 मौतें होने के बाद विष्णुदेव सरकार की नींद टूटी है और जब हम पहुंचे तब मच्छरदानी वितरण, स्वास्थ्य परीक्षण और दवाई वितरण शुरू हो सका है। अब तक 25 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। एक परिवार में 5 सदस्य हैं, लेकिन सिर्फ एक मच्छरदानी दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र होने के बावजूद पूर्व में भी कवर्धा के ही कोलियारी और दहानडीह में उल्टी दस्त के चलते मौतें हो चुकी है, लेकिन सरकार गायब है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी मृतक परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि एवं सभी बैगा आदिवासियों को समुचित मच्छरदानी व आवश्यक स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाए। उल्टी दस्त से लोगों की मृत्यु हो रही है। आज सोनवानी गांव में 5 लोगों की मृत्यु की खबर सुन के हम लोग आए हैं। अलग अलग दिनों में ये मृत्यु हुई है और सबकी उल्टी दस्त से ही मृत्यु हुई है। ये सारे विशेष संरक्षित जनजाति है, प्रिमेटिव ट्राइब्स है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र ये लोग कहा जाता है। तो विशेष रूप से इनके लिए योजनाएं बनती है, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, सब सारी योजनाओं का अलग से इनका कार्यक्रम बनता है, लेकिन एक का भी यहाँ क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मच्छरदानी आज बांटा जा रहा है, क्लोरीन टेबलेट आज बांटा जा रहा है, आज ही इसके मतलब मलेरिया टेस्ट किया जा रहा है। तो अभी तक के 25 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं और इन प्रिमिटिव ट्राइब्स को कोई सुविधाएं नहीं मिली है। तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। सरकार सोई हुई है, इनके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसके पहले कमरधा के ही कोइलारी और दहानडीह में उल्टी दस्त से मई के आखिरी सप्ताह में वहां भी मृत्यु हुई थी और सैकड़ों लोग उससे 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और सैकड़ों लोग उससे प्रभावित हुए थे। यहां भी लगातार उल्टी दस्त की शिकायतें मिल रही है, लेकिन सरकार जब मृत्यु हो गई लोगों की तब वो जाग रही है, तब आगे टेबलेट बांट रहे हैं। तो ये लोगों में आक्रोश है और बेहद दुखी भी हैं। कितने लोगों की मौत को स्थानीय प्रशासन सिर्फ 2 बता रही है। यहाँ अभी हम लोगों ने पूछा, 5 लोगों की मृत्यु हुई है। उस घर में गए थे, वहाँ भी 5 लोगों को बताया, यहाँ भी 5 लोगों को बताया। कारण क्या बता रहे हैं? उल्टी दस्त हो रहा है, रात भर में उसकी मृत्यु हो जा रही है। क्या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, जिला प्रशासन की लापरवाही कि वो बराबर यहाँ अभियान चलाया जाना चाहिए था। यहाँ कुएं से पानी पी रहे हैं, पेयजल की व्यवस्था, यदि कुएं से पानी है तो उसे ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता थी, वो किए नहीं है। वो आज क्लोरीन टेबलेट बांट रहे हैं। मलेरिया लगातार यहाँ वृद्धि, 25-25 मलेरिया इस गांव से मिल रहे हैं। तो आज ये है कि आपने मलेरिया उन्मूलन के लिए कोई काम किया नहीं है। इस सीजन में करना चाहिए, बरसात लगने से पहले सब चीज़ें हो जाना चाहिए, ये सब हुआ नहीं है। और इस कारण से ये जो 5 मौतें हुई है, इसके पहले कोलियारी और दहानडीह में मृत्यु हो गई थी। तो जिला प्रशासन को और हेल्थ डिपार्टमेंट को, PHE को विशेष रूप से अभियान पूरे जिले भर में चलाया जाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। मतलब उस समय 3 मौतें हुई, सैकड़ों लोग उसे प्रभावित हुए। आज यहाँ पांच लोगों की मौत हुई इसी गाँव में और उस मृत्यु को भी छुपाने की कोशिश हो रही है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। सर, बरसात का मौसम चल रहा है और पूरा मंत्रिमंडल अयोध्या दर्शन के लिए गया हुआ है छत्तीसगढ़ से, क्या कहेंगे? यहाँ भाई, जो दरिद्र नारायण की सेवा करने से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ये गरीब लोग हैं, इसकी सेवा करना, इसके देखरेख करना, इनके देखभाल करना, और उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र है, उसे तो विशेष रूप से इन्हीं की सेवा करना था, जो कि कल मतलब वो कुछ किए हुए नहीं है। ये दुर्भाग्यजनक बात है। अगला कदम क्या होगा बाबू जी? आप यहाँ पे परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। इनकी डिमांड यही है कि सबको एक घर में एक मच्छरदानी है, 5 सदस्य हैं, एक मच्छरदानी कैसे सोएंगे?
तो सबको मिले, सबके इलाज की व्यवस्था हो और समय समय पे स्वास्थ्य के जांच भी होना चाहिए, दवाइयां भी उपलब्ध होनी चाहिए, जागरूकता अभियान भी चलाया जाना चाहिए और मृतक परिवार को कम से कम 4-4 लाख रुपया इनको मुआवजा दिया जाना चाहिए।